तो भाई इसको हम सिटी में भी चलाया है, लेकिन जो स्लो आरपीएम पे रैप नहीं किया बाइक को, बिल्कुल प्यार से चलाया है। तो देखेंगे इसकी कितनी माइलेज निकलेगी। कितने का है सारे पीछे लगा हुआ? चाबी नहीं बनवानी पड़ेगी, नहीं है चाबी खराब हो गई। तो भाई टैंक फुल हो चुका है। तो हेलो सारे भाई ने, आई होप सारे ठीक हो गए। तो भाई आज आप करेंगे बुलेट के माइलेज टेस्ट पूरी टैंक टू टैंक, तो पूरी टैंकी फुल कराएंगे, उसके बाद देखेंगे 300-400 किलोमीटर चलाने के बाद दोबारा टैंकी फुल कराएंगे, ठीक है सर। तो भाई अब करेंगे माइलेज टेस्ट, इसका टैंक फुल कराएंगे, फुल पेट्रोल पंप पहुँचने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, देखेंगे कितनी माइलेज देगा अपना बुलेट। तो भाई पेट्रोल पंप में पहुँच चुके हैं, अब कराएंगे टैंकी फुल। तो भाई 22,857 किलोमीटर अपना बुलेट ड्राइव हो चुका है, उसके बाद अभी टैंक फुल कराते हैं, उसके बाद देखेंगे 300-400 किलोमीटर चला के कि कितनी माइलेज देगा, दोबारा टैंक फुल कराएंगे। चल कर दी चाबी नहीं बनवानी पड़ेगी, नहीं है चाबी खराब हो गई। ट्राई करते हैं ऊपर लग कर दियो। कितने का जंगल इसका? अच्छा सारे पीछे लगा हुआ है, लो कर ले। कल जंगल और गल जंगल के बस 1300 का तेल आया पूरा इसमें। तो भाई अपना टैंक फुल हो चुका है, दोबारा से किलोमीटर देख सकते हैं आप। तो भाई हमने करवा लिया टैंक फुल, और अपना जो बाइक है 857 किलोमीटर से ज़्यादा, 22,857 किलोमीटर जो हमारा बाइक चल चुका है, और उसके बाद देखेंगे अब 300-400 किलोमीटर के बाद कितना हमारा बाइक माइलेज देगा। हम इसको सिटी में भी चलाएंगे, अभी सिटी में चल रहा है, हाईवे में भी और ट्रैफिक में भी हर जगह चलाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कितनी माइलेज अपना बुलेट निकालेगा, ठीक है। तो भाई अगर वीडियो आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते और सब्सक्राइब करते, आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आएंगे। तो भाई बारिश में आप सबके लिए वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आपको वीडियो पसंद आई। तो भाई हमने जो माइलेज टेस्ट करने के लिए बुलेट चला लिया, 100+ जो हमारा बुलेट ड्राइव कर चुके हैं हम। तो भाई इसको हम सिटी में भी चलाया है, लेकिन जो स्लो आरपीएम पे रैप नहीं किया बाइक को, बिल्कुल प्यार से चलाया है। तो देखेंगे इसकी कितनी माइलेज निकलेगी। तो मेरे हिसाब से 30+ तो मिनिमम देनी चाहिए इसको, क्योंकि इससे बहुत प्यार से बाइक चलाया है, बिल्कुल भी रैप नहीं किया है, अंडर हाईवे पर चलाया है ये 50-60, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं, और सिटी में भी बिल्कुल प्यार से। सिटी में भी ये कुछ 20-30 किलोमीटर ड्राइव किया है, लेकिन हाईवे पे ज़्यादातर किया है और बिल्कुल प्यार से। तो देखेंगे भाई माइलेज कितनी है, तो चलते हैं पेट्रोल पंप पे, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो वीडियो में बने रहे, और भाई अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें जिस जिसके पास बोलता है। तो भाई पहले कुछ 857 किलोमीटर था, 22,857 किलोमीटर हमने पहले बाइक चला लिया था, और उसके बाद टैंक फुल कराया था, और अब जो है 974, तो 974 किलोमीटर जो हमने बाइक अब चला लिया है। तो देखें भाई कितनी माइलेज निकलती है, करवाते हैं टैंक फुल। तो भाई प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया भाई प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Thank you.
करते करते आओ इधर तो 20 का और कर दिया पूरा हो जाएगा जानता तो मना दे कर दिया तो वही टैंक फुल हो चुका है। तो भाई माइलेज टेस्ट हमने कर लिया, तो देखते हैं अभी कि कितनी माइलेज हमारे बुलेट ने निकाली है। तो 974 कुछ इतना हमारा बाइक चल चुका है, और माइनस करते हैं 857, ठीक है। तो भाई 117 किलोमीटर जो हमारा बाइक चल चुका है, ठीक है, जिसके बाद टैंक फुल कराया था हमने दोबारा। तो इसके अंदर पेट्रोल आया था 117 डिवाइड बाय 4.08, ठीक है। तो देखते हैं भाई कितनी माइलेज निकालेगा। तो भाई 28 के लगभग माइलेज निकाली है। तो यार बहुत प्यार से चलाया था बाइक, तो माइलेज उस हिसाब से कम है यार, 35 के लगभग तो देनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई ना, अच्छी माइलेज है भाई, ठीक है। अगर बुलेट रखोगे तो इतना माइलेज देगा, अगर बैंड और सेवेंस रखोगे, अगर स्टॉक रखोगे तो भाई 35-40 के आराम से दे देगा। अब इसके अंदर बैंड है तो ऑयल प्रेशर नहीं रहता पीछे, बैक प्रेशर, इस वजह से माइलेज जो डाउन हो गई है। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।